सरकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक, हर कोई बस यही अपील कर रहा है कि वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खतरे को कम कीजिए। लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। देश के शहरी इलाकों में तो लोग वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग ऐसे जिन्हें वैक्सीन के नाम पर डर लग रहा है। वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए वो बेतुके तर्क दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा है और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि वहां पर वैक्सीन फोबिया है। गांव में वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर बहानेबाजी की जा रही है, बेतुकी दलीलें दी जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए सरकार को जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए? अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा, अम्मा इतने आओ। अम्मा, अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा, अम्मा बात। वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक बुजुर्ग महिला के मन में इतना डर है कि वो घर के एक कोने में छिप गई। दरवाजे पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए आई थी, लेकिन इन्हें लगा कि वैक्सीन लगाने के लिए लोग आए हैं। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर इस बुजुर्ग महिला को घर से बाहर निकाला गया। कारण बताओ। बुजुर्ग महिला को समझाने के लिए इटावा सदर की विधायक सरिता भदौरिया भी आई हुई थी। उन्होंने इस बुजुर्ग महिला के डर को दूर करने की कोशिश की। तो महिला एक दरवाजे के पीछे छुपी थी, हमने उससे बात की तो वो भाग के अंदर गई और छुप गई। मुझे लगा कि शायद डर रही हो और यही था कारण, वो डर रही थी। वो कह रही थी कि हमको वैक्सीन लगवाने से फीवर आ जाएगा, ऐसा लोगों ने उससे भ्रमित कर दिया होगा। उसके बाद जब हम लोगों ने उसे समझाया और कहा, फिर उसने प्रेरित होकर वैक्सीन भी लगवाई। तो मुझे लगता है कि गांव क्षेत्र में बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। वैक्सीन का डर सिर्फ किसी एक गांव या एक राज्य तक सीमित नहीं है, देश के अलग अलग राज्य और वहाँ के ग्रामीण इलाकों में यही हाल है। कारण कोई फायदा नहीं है, न अंत्योदय है, न अन्नपूर्णा है, न कार्ड है, न तेल मिलता है, न इंदिरा आवास मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो काहे के लिए सरकार का सुइया लगा? जब ऐसे मरते हैं तो ऐसे भी मर जाए। वैक्सीन नहीं लगवाने का सबसे अनोखा बहाना सुना आपने, सरकारी फायदा नहीं मिल रहा है इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बिहार के पूर्णिया जिले के टीका पट्टी गाँव के लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, इसीलिए उल जुलूल बहानेबाजी कर रहे हैं। समस्या है कि सरकार का एक भी फायदा हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम सरकार को जो सुइया कोरोना वाला है लेने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन सुइया लेने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के कैमूर जिले के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर इतना डर है कि गांव में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई में अब कई लोगों ने खाना खाना ही बंद कर दिया है। मतलब कोरोना के सुई नहीं दी हुई तुम लोग? नहीं, हमने कोरोना के सुई नहीं दी। स्कूल में हम ना जाए खाना खाए? कहा सुई लगा जाता रहा जा, सुई लगा तो जा का कहा जाओ लोग खाना खाए, सुई लगवाए तब खाना खाए। कैमूर के भगवानपुर इलाके में कुछ लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस गांव में भी कई लोग वैक्सीन के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। उन्हें डर है कि खाने के बहाने उन्हें वैक्सीन लगा दी जाएगी, जबकि हकीकत तो ये है कि सरकारी अधिकारी यहां आने वालों को वैक्सीन के लिए सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। एक मामला आया था कि जो टीका 45 वर्ष अधिक होंगे लेंगे वही भोजन करेंगे, क्या वो कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। जहाँ जिस स्थान पर बाजार हो, जहाँ भोजनालय की व्यवस्था हो, बस स्टैंड हो, हर जगह कुछ आम पब्लिक को जो भ्रम है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और पंचायत स्तर पर हमारे पंचायत स्तर के कर्मी लगे हुए हैं, गाँव गाँव घूम रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएँ। बिहार के मुंगेर जिले में तो गांव के लोग वैक्सीन लगाने आए स्वास्थ्य कर्मियों को देखकर घर छोड़कर ही चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को कई घरों पर ताले लटके मिले तो कुछ लोगों ने घर को अंदर से बंद कर लिया और लाख मिन्नतों के बावजूद दरवाजे नहीं खोले। देखिए, इस घर का भी वही हाल है, हम लोग यहाँ आए हैं, इन लोगों को आवाज दे रहे लेकिन खोल नहीं रहे। इंजेक्शन के डर से लोग हमसे बात भी करना नहीं पसंद कर रहे और गेट भी अंदर से लॉक किए हुए। ये सिर्फ इस घर की स्थिति नहीं है, बहुत सारे घरों की यही स्थिति है। सिर्फ बिहार और यूपी के ग्रामीण इलाकों में ऐसे हालात नहीं है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक गांव में तो लोगों ने बहानेबाजी की हद ही कर दी। हमारे यहाँ जंगली इलाका है,
तो हमें जंगली इलाका में ऐसी मतलब मर्जी नहीं मतलब ज़्यादा सूट कर सके, मतलब हल्की बुखार खांसी मतलब होगी तो हल्के खातिर ऐसी जंगल में जड़ियाँ हैं, खाए पी से मतलब सब ठीक हो जाए। अगर वो नुकसान कर दिया हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगवाते हैं। सुना आपने, कोई कह रहा है कि वैक्सीन लगाने से मर जाएंगे तो कोई कह रहा है जड़ी बूटी से ही खांसी बुखार चला जाएगा। ये वो लोग हैं जो देश के गांव में रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन तक वैक्सीन की सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। वैक्सीन के इन बहानेबाजों को ये समझना होगा कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। वैक्सीन से डरने वालों को मध्य प्रदेश के मंडला के सोनसाय बैगा से सीख लेनी चाहिए। सोनसाय बैगा जड़ी बूटियों के जानकार हैं और एक एक जड़ी बूटी को देखकर बता देते हैं कि इससे कौन सी बीमारी ठीक होगी। बीते 42 सालों में बैगा ने एक भी अंग्रेजी दवा नहीं खाई है, लेकिन जब बात कोरोना को हराने की हो तो सोनसाय बैगा ने भी वैक्सीन पर ही भरोसा जताया है। देखिए सर, हमने तो देखिए पहले मैं अभी 40 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन मैंने अभी तक डॉक्टर को कोई मेरे कोई नहीं छिए थे। लेकिन बात ये हुई कि जब हमने अभी जो कोरोना काल पहला लहर में तो हमको कुछ मतलब नहीं जानकारी मिले, दूसरा में भी नहीं मिले, लेकिन अब तीसरा आने वाले थे इसलिए हम कहें कि भाई अब पूरा देश विश्व में फैल रहा है तो हम भी कहें कि लगवा लें करके हमने भी लगवाए। कल मोचा गए थे आशीष भाई के साथ, अगर मैं मर जाऊँ तो ठीक है मतलब हमारे समाज के लिए, तो ऐसे सोच के मैंने ही वैक्सीन लगवाया कि अगर मैं नहीं लगवाती या दूसरे को लगवा दे तो फिर दूसरे सोचते कि अपन बच गया, खुद दूसरे को मार डाले, तो मैंने खुद ही अपने जवाबदारी से खुद लगवाए। बैगा आदिवासी इलाकों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अलग अलग गांव मोहल्लों में सोनसाय बैगा जैसे लोग जरूर होंगे जिनकी बात गांव के लोग समझते भी होंगे और मानते भी होंगे। हर गांव में ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि कोरोना से जंग में कोई भी वैक्सीन लगवाने में पीछे न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी भ्रम हो, जी न्यूज अपील करता है कि उन लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना की रफ्तार को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही रोका जा सकता है। हर धर्म के धर्म गुरुओं की वैक्सीन को लेकर अपील सुनना आपके लिए जरूरी है और फिर फैसला आपको करना है। कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में भारत का मात्र एक ही अमोघ शस्त्र है और उस शस्त्र का नाम है वैक्सीनेशन। इसकी एक ही दवा है और उसका नाम है वैक्सीनेशन। मेरी भारत के सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपका वैक्सीन लगवाना भारत को ही सुरक्षित नहीं करेगा, भारत को ताकतवर भी बनाएगा। मेरी अपने लोगों से, अपने से जुड़े लोगों से भी यही प्रार्थना है कि आप लोग वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और जी मीडिया के इस अभियान में अपना सहयोग जरूर दें। आज जो हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में जो वबा फैली हुई है कोरोना के नाम से, ये जो है दूसरी लहर दौड़ रही है जिसको हम सेकंड वेव कह रहे हैं। मैं आप हजरात से आजीजाना दरख्वास्त करता हूँ, जो मरकजी और रियासती हुकूमतें वैक्सीन का इंतज़ाम कर रहे हैं वो वैक्सीन के इंतज़ाम में हम भी हिस्सा लें और वैक्सीन को हम अपने घर वालों को, अहल आयाल को, अड़ोस पड़ोस में, गली में, मोहल्लों में वैक्सीन का इंतज़ाम कराएं, वैक्सीन लेने की तलकीन दें, लेने के लिए बोलें, ताकि ये जो करोना है ये करोना को सिर्फ एक ही चीज़ आड़ा आ सकती है, ब्रेक कर सकती है, उसके चैन को कट कर सकती है, वो है वैक्सीन। जो हमारे देश में कोरोना वायरस जो फैल रहा है, तरह तरह जो मची है, सब लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो हमारी सरकार ने मुहिम चलाई है वैक्सीन की, वो सबको लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बचे हैं तो दुनिया भी बच सकती है। अगर जो हमारे देश में बहम चला कि नहीं वैक्सीन से लोग लगवा रहे हैं तो मर जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, नहीं, सबको लगवाना चाहिए क्योंकि वैक्सीन से ही दुनिया बच सकती है, ये एक सहारा नहीं तो कोई नहीं है। एक तरफ कोरोना का महासंकट है और एक तरफ जो है लोग जो है अब उत्साहित हुए हैं क्योंकि टीका आ गया है और लोग उसको लगवा रहे हैं, पर दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंतित हैं, डर में हैं और वो टीके के प्रति जो है वो बहुत ही जो है किसी तरह की शंका में है। ऐसे समय में किसी शंका को हमें नहीं रखना है। टीका जो है वो हमारे लिए रक्षा कवच के समान है और सारे जो है इसके ऊपर सारा साइंस और हमारी सरकार और सारी चीज़ों को लेकर
करके इसको तैयार किया गया है, ये किसी भी तरह से हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम दूर करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। वहां उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय मंत्री ने वहां लोगों से बात की और उन लोगों को अनोखे अंदाज में जवाब दिया जो वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान का किस्सा बनते जा रहे हैं, और जो लोग समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते वही सियासी व्यवधान का किस्सा बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ वैक्सीन को लेकर गांव के लोगों में भ्रम और डर है, तो वहीं वैक्सीन को लेकर एक और समस्या देश के सामने है, और ये समस्या है इसकी कीमत को लेकर। देश में फिलहाल दो वैक्सीन बड़े पैमाने पर दी जा रही है, लेकिन देश भर में इनकी दर्जन भर से ज्यादा कीमत होगी। हालांकि सरकारी सेंटर में ये मुफ्त मिल रही है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल वैक्सीन के लिए उतनी ही ज्यादा कीमत। अब सवाल है कि एक देश एक कीमत का जो फॉर्मूला टैक्स पर मोबाइल कॉल्स पर लगता है वो वैक्सीन पर क्यों नहीं लगता। आपके शहर में इस वैक्सीन की कीमत कितनी है, क्या आपको सही सही रेट पता है? अगर आप कोविन पर स्लॉट बुक करने के लिए जाएंगे तो प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज की कीमत कहीं 800 रुपए दिखेगी, तो कहीं उसी कोविशील्ड की एक डोज 850 रुपए दिखेगी, तो कहीं उसकी कीमत 1000 रुपए भी होगी। मेरा 650 प्राइस था वैक्सीन का, और अदर देन दैट जो है सर्विस वगैरह की जो बात थी आई फाउंड डिसेंट। वी लास्ट वीक मेरी बेटी ने करवाया है, उनसे नोएडा में लिया है 1100, और मैंने अभी कल चेक किया तो यहाँ पे धर्मशाला में उन्होंने 750 दिखाया था, पर यहाँ पे मैंने 650 पे किया है। अब जैसे वो आपका अपोलो का आ रहा था 850 रुपये आ रहा था, कहीं का कुछ और आ रहा था। हमारे मैं होटल में हूँ तो वहाँ पे कैंप लगा था, वहाँ पे 1400-1800 वैसे ले रहे हैं वो। दरअसल प्राइवेट अस्पतालों ने वैक्सीनेशन को आपदा में अवसर बना लिया है। सर्विस देने के नाम पर प्राइवेट अस्पताल अब आम आदमी की जेब काटने पर तुले हैं। सरकारी सेंटरों पर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिलता, और प्राइवेट सेंटरों पर आसानी से स्लॉट मिल जाते हैं। मजबूरी है, लेकिन वैक्सीन तो जरूरी है, इसीलिए लोग प्राइवेट अस्पताल में खर्च कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। सबसे बढ़िया अब तक जो चीज निकल के आई है कोरोना से बचने के लिए वो है वैक्सीन, और आपकी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना तो जरूरी है ही, लेकिन अब वो वैक्सीन के दामों में क्या हेरफेर चल रहा है उसके लिए ग्राउंड रिपोर्ट हमने तैयार की है। आपको हम बताएं कि जो वैक्सीन के सेंटर्स हैं वहाँ पर लोग रोज़ पहुँचते हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन लगे, पर जब वो स्लॉट बुक करा रहे होते हैं ना, आपने भी देखा होगा उस कोविन ऐप पर अलग अलग तरीके के अलग अलग दाम दिख रहे हैं। कोविशील्ड एक जगह आपको कहीं 650 रुपये में दिखती है, कहीं 1400 में, तो कहीं 1800 रुपये। सरकारी सेंटर पर राज्य सरकारें बहुत सी हैं जो उसका खर्चा उठा रही हैं वैक्सीन का और फ्री दी जा रही है, लेकिन प्राइवेट सेंटर पर भी एक ही वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों हैं? दिल्ली के धर्मशाला अस्पताल में कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 650 रुपए है। दिल्ली के ही फोर्टिस अस्पताल में कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 850 रुपए है। नोएडा के मैक्स सेंटर में इसी कोविशील्ड की कीमत 1100 रुपए है। अब आपके मन में सवाल होगा कि वैक्सीन तो सेम है, फिर कीमत अलग अलग क्यों? इसका जवाब है अस्पतालों की मनमानी। कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट अस्पतालों को एक खुराक 600 रुपए में दे रही है, और उस पर 5% GST भी लगता है। इस हिसाब से कीमत होती है 630 रुपए, लेकिन अब इस कीमत में कोई अस्पताल 20 रुपए सर्विस के नाम पर ले रहा है, तो कोई इसमें 400 रुपए तक वसूल रहा है। आजकल कार से आकर वैक्सीन लगवाने का दौर चल रहा है, कुछ अस्पताल तो इसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज वसूल रहे हैं। दिल्ली के मूलचंद अस्पताल के सेंटर पर जाकर कोवैक्सीन लगवाएंगे तो 1450 रुपए देने होंगे, और कार में बैठे बैठे वैक्सीन लगवाएंगे तो एक डोज के लिए 1800 रुपए देने होंगे। प्राइस देख के थोड़ा सा वो हो गया था, शॉक हो गया था कि 1800 क्यों हो रहा है। सो आई एम जस्ट वरीड दैट इफ दिस विल बी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। कुछ नहीं कर सकते अभी तो, 1800 के अगर ये लोग 2000-5000 में मांगे तो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जरूर लगाएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल हमें इस चीज से निकलना है, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर अब राजनीति भी होने लगी है। बीजेपी और अकाली दल ने पंजाब में कोवैक्सीन बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप पंजाब की कैप्टन सरकार पर लगाया है। आरोप है कि पंजाब सरकार ने 400 रुपए में कोवैक्सीन खरीदी और निजी अस्पतालों को 1060 रुपए में बेच दिया। जेडी वैक्सीन पंजाब सरकार खरीद रही है वो 400 रुपये ते खरीदी है, 400 रुपये एक डोज, एक इंजेक्शन, एक डोज।
पर ला नहीं रही 400 रुपए दे या लाना चाहिए सी मुफ्त। पंजाब सरकार 400 रुपए दे खरीद के प्राइवेट हॉस्पिटल दे रही है 1000 रुपए दे 1026 1060। वैक्सीन बेचने को लेकर जब पंजाब सरकार फंस गई, तो उसने प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीन देने का फैसला ही वापस ले लिया। अब पंजाब के प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन की बची डोज वापस करनी होगी। देश को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है, लेकिन वैक्सीनेशन तेज होने की बजाय कीमतों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। सवाल तो यही है कि क्या वैक्सीन पर एक देश एक कीमत का फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता है। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश है कि लेकिन वैक्सीन की अलग अलग कीमत है और इसी को लेकर सवाल उठाए। हमने एक्सपर्ट से इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। तो पहला सवाल तो यही है कि वैक्सीन की कीमत हर राज्य में अलग अलग क्यों है? तो इसका जवाब है, सरकार के लिए कीमत एक है, प्राइवेट में अलग अलग, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल अपने लेवल पर खुद वैक्सीन खरीद रहे हैं और ऐसे में वो सुविधा शुल्क जोड़ देते हैं, जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी सुना। दूसरा सवाल यह है कि वैक्सीन की एक कीमत हो, इसके लिए क्या करना होगा? तो इसका जवाब है, केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया कि प्राइवेट अस्पताल में कीमत तय करें। कर्नाटक सरकार ने निजी अस्पतालों के साथ मिलकर पहले ही एक समान कीमत तय भी कर ली। तो अगर कर्नाटक राज्य ये कर सकता है, तो देश के दूसरे राज्य भी ऐसा कर सकते हैं कि वैक्सीन की एक कीमत फिक्स हो जाए। निजी अस्पतालों के लिए कीमत नियंत्रण कैसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि निजी अस्पताल ज्यादातर अपनी मनमानी चला रहे हैं। इसका जवाब, जैसा कि हमने दूसरे सवाल के जवाब में भी कहा, कि ये राज्य सरकारों के कंट्रोल में है। राज्य सरकारें चाहें तो आदेश लाकर वैक्सीन की कीमत पर लगाम लगा सकती है। चौथा सवाल ये, केंद्र सभी राज्यों को वैक्सीन खरीद कर नहीं दे सकता क्या? तो जवाब है, अब वैक्सीन खुले बाजार में है, केंद्र सरकार ऐसा कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। तीन तीन वैक्सीन इस वक्त हैं और इसीलिए बाजार को खोल दिया गया है। तो ये वो सवाल जो आपके भी जहन में रहे होंगे, जिनके जवाब हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे, मई का महीना जा चुका है, जून आ चुका है, लेकिन कहीं से भी गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ने की खबर नहीं। यहां तक कि उत्तर भारत के शहरों में लू चलने की तस्वीरें भी इस बार आपने नहीं देखी। अब सवाल ये, ऐसा क्यों? आखिर जब मई जून में गर्मी नहीं पड़ेगी तो फिर कब पड़ेगी? और आज तो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से अगले 2 दिन तक दिल्ली का तापमान थोड़ा नीचे रहेगा। और जानकार तो यहां तक मान रहे हैं कि इस बार दिल्ली में गर्म हवाएं नहीं चलेंगी। अब सवाल ये है कि क्या ये मौसम के बदलते और उससे भी ज्यादा बढ़ते खतरे की आहट है? दिल्ली में जून में सावन वाला मौसम, मई में दिल्ली में पड़ी कूल गर्मी। आमतौर पर जून और मई का महीना प्रचंड गर्मी का होता है, लेकिन इस बार तो जून में सावन जैसी बारिश हो रही है। दिल्ली में मई जून का महीना सबसे गर्म दिन माना जाता है। शरीर को झुलसा देने वाली हवाएं घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देती हैं, लेकिन इस बार ना तो गर्मी का रिकॉर्ड टूटा और ना ही लू चली। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो संभव है कि इस साल दिल्ली वालों की गर्मी बिना लू के ही बीत जाए। इस सीजन में जो 1 मार्च से स्टार्ट होता है, तो हीट वेव हमारे पास दिल्ली NCR में मोस्टली रियलाइज नहीं की गई है। स्पेशली अगर सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास बिल्कुल नहीं आई है, क्योंकि जो है हमारे पास मई के महीने में जो मुख्यतः हीट वेव के लिए ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, उसमें हमारे पास सिस्टम काफ़ी आते रहे और हीट वेव रियलाइज नहीं हुई। वैसे जानकार दिल्ली में मौसम के बदलाव को ताऊते तूफान और यास तूफान से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी मौसम की चाल ने सबको हैरान कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में भूस्खलन, भारी बारिश, ओले पड़ना, बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा चक्रवात, सूखा और बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या भी अब पहले के मुकाबले बढ़ गई है। बीते 10 सालों में मौसम के ऐसे हालात में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। मई महीने में ही उत्तराखंड में कई जगहों पर भूस्खलन हो चुके हैं, जबकि वहां तो बारिश का मौसम भी नहीं शुरू हुआ है। मौसम के जानकार मानते हैं कि अब बारिश के सीजन में बारिश के दिनों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। जहां पहले जून से सितंबर तक 4 महीनों तक बारिश होती थी, वहीं अब बारिश का औसत दिन घटकर 60 रह गया है। इस बार केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है।
तीन दिन देरी से ही सही मॉनसून केरल में आ चुका है और वहां जमकर बारिश हो रही है। लेकिन मॉनसून तय वक्त पर देश भर में पहुंच जाएगा, इस पर सवाल बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में देश के पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ पश्चिमी तट पर भी चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ी है। अब हर साल दो या उससे ज्यादा तूफान आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक इन हालातों को दुर्लभ बता रहे हैं। इस बार हमने देखा कि दिल्ली NCR में प्री मानसून सीजन में एक भी बार लू नहीं चली, यानी कि हीट वेव एक बार भी नहीं आई। आमतौर पर जो प्री मानसून सीजन है वो 1 मार्च से लेकर के 30 मई तक रहता है और जून के महीने में भी हीट वेव आने की संभावना बनी रहती है, लेकिन अभी तक दिल्ली में एक बार भी लू नहीं चली और जून का महीना भी अभी तक ठीक ठाक निकल रहा है। उसका कारण यह है कि इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ थे एक के बाद एक आते रहे और उसके प्रभाव से जो बारिशी गतिविधियां थीं वो उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में लगातार होती रही। मौसम की ये ऊटपटांग चाल आम लोगों को हैरान कर रही है, लेकिन पर्यावरण के लिए ये किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की दूसरी लहर जब दिल्ली में फैली थी तो हजारों की तादाद में दिल्ली NCR से मजदूरों का पलायन हो गया था। अब कोविड का कहर थम रहा है, दिल्ली अनलॉक हो रही है तो मजदूर भी वापस लौट रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इन दिनों बड़ी संख्या प्रवासी मजदूर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से लौट रहे हैं। वैभव परमार की ये रिपोर्ट देखें। ये दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। लॉकडाउन में यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहता था, लेकिन आजकल यहाँ चहल पहल बहुत बढ़ चुकी है। दिल्ली में अनलॉक होते ही यहाँ यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से वो मजदूर वापस लौट रहे हैं जो मजबूरी में अपने गांव या फिर घर चले गए थे। इस मजदूर का नाम राकेश गुप्ता है। लॉकडाउन के डर से करीब 1.5 महीने पहले वो अपने घर गोरखपुर चले गए थे। राकेश त्रिलोकपुरी में रहते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। राकेश के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो दिल्ली आकर राशन खरीद सके और इसीलिए गोरखपुर से राशन भी साथ लेकर आए हैं। राकेश फिलहाल इस उम्मीद के साथ दिल्ली लौटे हैं कि उन्हें यहाँ पर काम भी मिलेगा और 2 वक्त की रोटी भी। तकरीबन जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था जब ही गांव गए हुए थे। अच्छा। लेकिन अब दिक्कत हो रही है, गांव में भी काम नहीं है, क्या करें, फिर इसके वजह से अब गांव से दिल्ली आना पड़ रहा है। यहाँ क्या मजदूरी करते हैं? यहाँ मजदूरी करते हैं। क्या काम मजदूरी में? वही बेलदारी का काम भी कर लेते हैं, किसी के साथ भी काम, ठेकेदार के साथ काम कर लेते हैं। काम करने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। ये बिहार के रहने वाले समीर खान है। लॉकडाउन से पहले दिल्ली में ड्राइविंग करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद मजबूरी में अपने घर मुजफ्फरपुर चले गए। पिछले लॉकडाउन में भी उन्होंने कर्ज लिया था और इस बार भी फिर से 45,000 रुपए का कर्ज लेकर वो दिल्ली आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें फिर से यहाँ पर काम मिल जाएगा। कि यहाँ बाल बच्चा कैसे पलाएगा, क्या होगा, बहुत बुरा हाल हो गया। 1 साल से हम परेशानी परेशान हैं। 1 साल पहले जो आज उससे पहले लोगों के पास कुछ पैसे थे वो सब खत्म हो गए, कर्ज ले लेकर के रहे हैं और स्कूल कॉलेज वाले तो फीस छोड़ नहीं रहे, बच्चे से पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गया। अप्रैल और मई के दौरान नाउमीदी में भी कई मजदूरों ने दिल्ली में अपना जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन अब जून में अनलॉक खुलने के साथ ही ये मजदूर उम्मीदों के साथ दिल्ली आ रहे हैं। जो लोग मजबूरी में अपने घर गए थे वो वापस लौट रहे हैं, ये एक अच्छी तस्वीर जरूर है, लेकिन इन लोगों के लिए भी संघर्ष और समस्याएं बाकी हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अभी अनलॉक की महज शुरुआत भर ही हुई है। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू होना राजधानी दिल्ली में अभी बाकी हैं। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी के साथ देशभर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।